द्विघात बहुपद के दो मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल जो है माइनस बी बाई ए हो जाएगा, मूलों का गुणनफल सी बाई ए हो जाएगा, और जो है एक नया सूत्र जो बनकर आया है एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई सी। और यहाँ देखिएगा यहाँ जो है ये स्पेशल फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पकड़ के बना लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। यहाँ से इसको देख लेंगे ये हो जाएंगे त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद के यदि तीन शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो उसका रिलेशन हम लोग कैसे देखेंगे आज सब इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम लोग क्लास टेंथ के बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज जो है आपको जितने भी इस चैप्टर के थ्योरी कंसेप्ट है सब के सब इस वीडियो में कंप्लीट कर लेने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये चैप्टर समझिए आपके हाथ में हो जाएगा और आपको जो है कहीं से भी हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे इसका डिफिनीशन। चर एक्स में एक ऐसा फलन एफ एक्स एक ए जीरो तो एक्स के पावर जीरो प्लस ए वन तो एक्स के पावर वन ए टू एक्स के पावर दो प्लस इस रूप में हो जहां ए एन बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर क्या हो ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक्स का घात जो हो क्या हो प्लस में हो धनात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसे रूप वाले ही बहुपद कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो खैर ये परिभाषा जो है आपके एग्जाम के दृष्टि उतना जरूरी नहीं है, ऐसे हम जानने के लिए बता दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो टॉपिक विशेष तौर पर यहाँ देखेंगे। देखिएगा यहाँ जो है पहले पूछेगा आपसे बहुपद के पहचान, आपके एग्जाम में आएंगे कि पूछेंगे कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान हम लोग कर लेते हैं कि कैसे टर्म बहुपद होंगे कैसे टर्म बहुपद नहीं होंगे। तो देखिएगा यदि x में बहुपद हो या फिर y में हो z में हो कुछ में हो लेटर में हो जो भी हो, तो यदि बहुपद का रूप जो है किस चीज में हो जाए रूट में हो जाए कि क्या हो जाए रूट में या फिर बाटा में हो जाए, कौन चीज में बाटा में या पावर हो माइनस में या फिर पावर जो हो बाटा में हो कोई दो बटा तीन ऐसा हो भिन्न जो कटे नहीं रह जाए या फिर बाटा भी हो और क्या हो जाए ये माइनस में भी हो, ऐसा रूप वाला आगे पीछे या बीच में कहीं भी हो जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। इस कंसेप्ट को जान लेने के बाद एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, आप जो है 100% उस क्वेश्चन को एकदम सही कर देंगे। तो कोई जो हो एक्स जो है एक्स के रूप में ही हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो यदि वो रूट में होता है या फिर वो बाटा में होता है या फिर माइनस में होता है या फिर पावर भिन्न में हो या पावर जो भिन्न में भी हो माइनस में भी हो, तो इस रूप का आगे हो उस बहुपद में या फिर पीछे हो या फिर बीचे हो बीच में हो कहीं भी दिखाई दे तो समझिए वो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा जिस टर्म में ये सब नहीं होंगे वही बहुपद होंगे, तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे आगे हम लोग एक और टर्म आएगा आपको बीच में घात का, क्या आएगा घात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से तय होता है कोई बहुपद का प्रकार। तो इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है डिग्री, क्या बोलते हैं हम लोग डिग्री। तो यहाँ समझ लीजिए घात आखिर क्या है, तो देखेंगे घात जो है किसी बहुपद के सबसे बड़े पावर को ही घात बोलते हैं, किसी बहुपद के सबसे बड़े पावर को क्या बोलते हैं घात बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लिखते हैं किसी बहुपद के सबसे बड़े पावर को क्या बोला जाता है घात बोला जाता है। तो किसी बहुपद के सबसे बड़े पावर को ही घात, क्या बोलते हैं घात को इंग्लिश में बोला जाता है डिग्री, तो इसको ध्यान दे देंगे घात कहते हैं। और आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिए 3x² प्लस 2x⁵ और यहाँ से x के पावर यहाँ हो गया, तो ये क्या हो गया ये बहुपद है कोई,
ये जो है बताएंगे आगे चल के बहुपद का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ जो होगा डिग्री इस बहुपद का हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 2, 5 की 1, तो सबसे बड़ा पावर है 5, अतः इस बहुपद का घात जो हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसी बहुपद से यानी इस बहुपद के घात से ही तय होंगे कि ये कौन बहुपद है। तो घात है 5, अतः ये जो बहुपद है पंचघात बहुपद हो जाएंगे या कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपको क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं और जो इससे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है आपको बताते हैं। देखिएगा, यदि किसी बहुपद का जो है ग्राफ आपको दिख जाए और उसमें पूछा जाए कि इस बहुपद के जिसका ये ग्राफ दिया हुआ है उसके शून्यक बताइए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, हलों की संख्या बताए, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, आप जो है किसी बहुपद के आलेख, किसी बहुपद के आलेख यानी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर कट करती है या फिर स्पर्श करती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है, वाई अक्ष को कितनी बिंदुओं पर कट कर रहा है या स्पर्श कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ कहाँ कटना चाहिए, एक्स अक्ष को ही कटना चाहिए। जैसे देखेंगे, ये हम लोग का वाई अक्ष हो गया, ये हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एक्स एक्स डैश और ये हो गया वाई वाई डैश, ये हो गया मूल बिंदु। दोनों अक्ष जहाँ कट करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है। तो एक ग्राफ है, यहाँ से देखिएगा ऐसे है, तो अब देखना यहाँ पे है कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ देखिएगा एक बिंदु, 2 बिंदु और यहाँ कट किया था 3 बिंदु। तो यह जो आलेख है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः इस बहुपद के हलों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखिएगा हलों की संख्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 3, या शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। उसी तरह एक और देख लीजिएगा आप, यहाँ से हम बना देते हैं ये, इसको देख लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें जो है ग्राफ वाई अक्ष को तो यहाँ कट रहे हैं लेकिन हमको वाई से मतलब नहीं है, एक्स से मतलब रखना है। तो एक बिंदु पर यहाँ कट किया और एक बिंदु पर स्पर्श किया, तो अतः यहाँ जो है इस बहुपद का जो है शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एक्स अक्ष को पर एक्स अक्ष को यदि कोई आलेख जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है उसके उतने ही शून्यक होंगे। वाई अक्ष पर कितना बिंदु पर स्पर्श कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है उसे हमको मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको जस्ट ही बता दिए हैं किसी बहुपद के सबसे बड़े घातांक यानी पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। किसी बहुपद के जितने घात होंगे उसके उतने ही शून्यक होंगे, किसी बहुपद के जितने घात होंगे उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो घात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टर्म है, घात आपको बता देता है कि वह जो है उस बहुपद के कितने शून्यक निकलने वाले हैं, और यह भी बता देता है कि बहुपद के प्रकार। यदि जो है घात का नाम ही बोल देने से था चल जाता है किसी बहुपद की प्रकृति। जैसे द्विघात है, तो द्विघात मतलब हो गया जिसका घात क्या है, 2 है, उसे हम लोग द्विघात कहेंगे। तो जब घात 2 है तो शून्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जो है ध्यान रखेंगे, किसी बहुपद के जितने घात होंगे उसके उतने ही शून्यक होंगे। आइए हम जो है कुछ स्पेशल बहुपद के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेखीय बहुपद, जिसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है इंग्लिश में। इसका जो है व्यापक फॉर्म आप ध्यान रखेंगे ax + b, ax + b कहा जाएगा b, जहां a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अंक के रूप में रह जाएंगे जो अचर फॉर्म पकड़ लेंगे। और यहाँ से देख लेंगे हम रैखिक या रेखीय बहुपद के जो घात होते हैं कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। जब घात 1 होता है तो पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या भी 1 हो जाएगी। यानी किसी बहुपद के जितने घात होंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। अब यहाँ पूछता है कि रैखिक बहुपद के आलेख कैसे होते हैं, आलेख की प्रकृति बताइए।
तो रैखिक बहुपद के आलेख जो होते हैं स्ट्रेट लाइन होते हैं, सरल रेखा होती है यानी सीधी रेखा होती है, क्या होती है स्ट्रेट लाइन। तो रैखिक बहुपद के जो आलेख होते हैं ग्राफ होते हैं वो सरल रेखा के रूप में होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द्विघात बहुपद। देखिएगा द्विघात बहुपद के जो जनरल फॉर्म होते हैं व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब जीरो हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ए अगर जीरो हो जाएगा तो इसको भी जीरो कर देगा, तो इधर तो बच गया, अगर ये सब बचा तो रैखिक बन जाएगा, और इधर से सब गायब हो जाए तो अचर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये सब न रहे लेकिन यहाँ जो है जीरो न रहना चाहिए, इसको रहना बहुत जरूरी। इसी के वजह से जो है ये द्विघात बहुपद के जो है उसके मतलब द्विघात बहुपद कहलाएंगे। अब यहाँ से कुछ टर्म आपको जान लेना उचित रहेगा, क्योंकि आगे है बहुत काम आएगा, ये पूछेगा गुणांक शब्द आएगा, एक गुणांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। तो गुणांक जो होता है उसको तोड़िएगा गुणांक, तो गुणा प्लस अंक बन जाएंगे। तो गुणा जिस अंक से हुआ रहता है वही क्या होता है गुणांक कहलाता है। तो जिस भी टर्म का पूछेगा तो उसको देख लीजिए किस अंक से उसमें गुणा हुआ है, वही आपके गुणांक यानी कोफिशिएंट होते हैं। जैसे इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ जो है यहाँ कोई ना कोई अंक रहेगा, यहाँ तो खैर जनरल फॉर्म है ये इसका रूप है, तो एक्स स्क्वायर में ए से गुना हुआ है तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो गया ए। एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा बी, और अचर पद कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा सी। तो इसको ध्यान रखेंगे तो आगे हम लोग बहुत सारे जो है फॉर्मूला देखने वाले हैं जिसमें आपको ये काम आएंगे। आगे देखिएगा द्विघात बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो नाम से ही स्पष्ट है द्विघात, यानी जिसका है घात दो उसी को बोलते हैं द्विघात। तो घात क्या हो जाएगा आपका दो हो जाएगा। जब घात दो हो जाएगा तो इसको इसके हलों की संख्या भी कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दो। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे दो हो जाएगी, यानी इसके जो हल करेंगे हम लोग तो दो को आंसर हम लोग को प्राप्त होगा। इसका जो आलेख होता है ग्राफ जो होता है वह होता है परवलीय। तो ध्यान कुछ उदाहरण देख लिए हम लोग यहाँ, जैसे एक्स स्क्वायर भी क्या है आपका द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है द्विघात बहुपद है, और ये सब क्या है द्विघात बहुपद, ये सिंगल फॉर्म में भी क्या है द्विघात ही सब के सब है। तो इतना बात आप समझ गए, तो अब हम लोग किसके आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ और जो है उसमें जानकारियां। देखिएगा ये जो हो गया आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अभी अभी बताए हैं आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सबका मतलब हो गया भी बता दिए कि एक्स स्क्वायर गुणांक को ए कहते हैं, एक्स गुणांक को बी कहते हैं, और अचर पद को सी कहेंगे। देखिएगा यदि द्विघात बहुपद के दो मूल अल्फा और बीटा दिए हो तो कुछ रिलेशन बना बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मूलों का योगफल पूछेगा, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल जो है यानी मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ मान लेते हैं इसके मूल दो मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर याद रखेंगे माइनस बी बाई ए। अब बी क्या है तो x के गुणांक को b कहते हैं, और a क्या है तो x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। यदि यहाँ आपको मिल जाए कहीं इस तरह 3x² और यहाँ से इस तरह अगर हो जाए तो इसमें जो बोलिएगा x a का गुणांक कितना हो जाएगा, a का गुणांक हो जाएगा 3 और b का गुणांक कितना हो गया 16 और अचर पद कितना हो गया 5। तो ऐसे आप पढ़ के इसको क्या कर लेंगे बना लेंगे। और पूछेगा मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या है अचर पद और ए क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे हम लोग ए कहेंगे। उसके अलावा ये आपके जो बुक में है दो सूत्र ही चलते हैं, लेकिन इसके अलावा आपसे अन्य कंसेप्ट ही बनाकर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इस समय जो है काफी चर्चित है एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, तो इसका जो फॉर्मूला हमने बनाया है यहां से सॉल्व करके तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई सॉल्व करके देखिए इसका यूज ऐसा बनाना होगा जिसमें इस दोनों का ही यूज हो सके। तो आप जो इसको सॉल्व करके देखिए क्या आपसे इतना आ रहा है और हमको बताइए। तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा बराबर माइनस बी बाई सी हो जाते हैं, तो आप जो है इसको याद रखेंगे।
कि कैसे हो गया है माइनस बी बाई सी। यदि आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, हम आपको कुछ देर में बता भी देंगे। तो ये कैसे हो गया है देखिएगा, यहाँ देखिए कैसे हो गया। तो एक बाटा, यहाँ समझ लीजिए एक बाटा अल्फा प्लस एक बाटा बीटा, तो आप ये बाटा का जोड़ है तो एलसीएम लीजिए अल्फा इंटू बीटा, ऊपर से अल्फा कट गया तो समझिए कि ये बीटा बच गया और प्लस अल्फा ज्यादा बच जाएगा। यानी सीधा कीजिए तो अल्फा प्लस बीटा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और गुणनफल का क्या हो जाएगा सी बाई ए, ए से ए कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई सी। अतः इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है क्यों ना इसको हम लोग याद ही कर ले, ताकि समय भी बच जाएगा और क्वेश्चन जो है जल्दी बन भी जाएगा। देखिए अब यहाँ से आप देखिएगा, इसको जान गए आप, अब इसको देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो याद रखेंगे इसको भी साथ साथ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। आगे जान लीजिएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का आएगा अलग अलग करके स्क्वायर रहेगा। तो ये देखने से पहले कंफ्यूज है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है सिंपल ही है, समझिए अलग अलग स्क्वायर है मतलब एक बांध के ब्रैकेट में एक के साथ स्क्वायर दे देंगे। तो अब ये जो फॉर्मूला आपको पता हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता हो गया, यहाँ से सी वाई रख लेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये भी बन जाएंगे। अब यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा के ये है होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटे है तो रूट चढ़ गया है, क्या हो गया रूट चढ़ गया है। तो यहाँ से जो है अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। आप जो है खुद इसको प्रूफ करके देखिए क्या आपसे इतना आ रहा है, यदि नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, जो है इसका हम लोग प्रूफ करके भी आपको बता देंगे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देता है कि द्विघात बहुपद के शून्य दे दिए गए हैं तो द्विघात बहुपद कौन है। यदि द्विघात बहुपद दिया हो तो शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन शून्यक दे दे और तब कहे कि द्विघात बहुपद बताइए, तो हम लोग जो है यहाँ इस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो इस रूप को जो है आप ध्यान रखेंगे। यदि कभी कभी क्या करता है आपके क्वेश्चन में जो है बुक में जो है क्या किया है मूलों का जोगफल और गुणनफल दे दिए गए हैं रेडीमेड, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके बना लेने होते हैं। यदि आपको अल्फा और बीटा यानी अलग अलग मूल दिया है तो आप क्या कीजिए अलग से अपना जोड़िए गुना कीजिए, तब जाके इस फॉर्मूला में क्या कीजिए बैठाइए, तब जाके आपके सही हो जाएंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग चलते चलते देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए जो है इसको जीरो नहीं होना होगा, ये सब एक अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ ई नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब त्रिघात बहुपद का घात जो होता है तीन होता है, जब घात तीन हो गया तो इसके शून्यकों की संख्या भी तीन ही हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी। कुछ इसके सूत्र होते हैं जो देख लेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योगफल पूछेगा त्रिघात का, तो कैसे निकालेंगे माइनस बी बाई ए, और इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो क्या हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ बी जो है इसमें जो द्विघात में जाएंगे तो एक्स के गुणांक को बी कहेंगे, जबकि त्रिघात में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहेंगे। यहाँ डी क्या है अचर पद है, जबकि यहाँ का सी जो है अचर पद है, यहाँ सी जो है एक्स के गुणांक को क्या कहेंगे सी कहेंगे। तो सब यहाँ दिख ही रहे हैं, एक्स क्यूब के गुणांक को यहाँ पे ए कहेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहेंगे, एक्स के गुणांक को हम सी कहेंगे, अचर पद को क्या कहेंगे डी, यदि बहुपद त्रिघात हो तब। तो आप इसको जो है ध्यान रखेंगे। अब हम आपको जो है एक छोटा फार्मूला है उसको बता देते हैं। देखिएगा यदि त्रिघात बहुपद के तीन मूल अल्फा बीटा और गामा दे दिए गए हो तो कहेंगे कि त्रिघात बहुपद बताइए, तो उसको जो है हम लोग इस फार्मूला से बनाएंगे। क्या फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस मूलों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस
मूलों का गुणनफल कर लेंगे। इसके बाद स्पेस नहीं, इसीलिए हमको यहाँ पे नीचे हम लिख दिए हैं। तो ये सर जी है यहाँ पे सब दे दिए जाएंगे आपको, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, तब जो है आपको त्रिघात बहुपद बता देने हैं। तो आप बता दीजिएगा, ये रहे आपके त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद के फुल कंसेप्ट। यदि आप इसको माइंड में रखते हैं तो आपका जो है द्विघात बहुपद और जो भी बहुपद संबंधित चैप्टर है सब के सब आप कंट्रोल जो है कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।